वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम ओके सो गाइस डू यू नो ये क्या चीज है रोहान कैन यू टेल मी इट्स अ तस्बी सो टुडे वी आर गोइंग टू मेक तस्बी व्हाट डू वी से ऑन द तस्बी बीड्स अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर यू कैन से एनीथिंग यू वांट यू नो अल्लाह रिलेटेड ठीक है तो अब हमने ये आटे के छोटे छोटे बीड्स बनाए हैं और अब उनको पेंट कर रहे हैं ये सारे सो व्हाट आर यू पेंटिंग पेंटिंग सोबिया की पेंटिंग अमेजिंग है सोबिया आपकी पेंट चले अच्छा गाइस हमारे पास कोई भी पतला धागा हो हमने तीन चार किस्म की तस्वीरें बनानी है ये आप जैसे देख सकते हैं कि ये एक तस्वीर है बीड्स की जितने भी मेरे पास बीड्स बच गए थे द कॉन्सेप्ट ऑफ सेइंग योर तस्वी एट नाइट इन द डे टाइम एंड व्हाट दे शुड बी सेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम तस्वीरें बनाते हैं और जिन लोगों के पास बीड्स और ये सारी चीजें नहीं है उनके पास आटा तो होगा तो हम आटे से भी बनाएंगे ठीक है गाइज किड्स को जाएंगी ये तस्वीरें और हम बहुत अच्छे से ये ईद गिफ्ट्स भी बन सकते हैं रमज़ान गिफ्ट्स भी बन सकते हैं अगर आपको पैकेजेस में दे के बच्चों को ये कॉन्सेप्ट सिखाना है कि तस्वीर में क्या भाव पढ़ते हैं तो वो हो जाए आप बैठ जाएंगे ठीक है ना गाइस सो ये हमारी बहुत क्यूट सी तस्वीर बन रही है और फिर मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वाला हिस्सा इसको हम कैसे बनाएं ठीक है ये देखिए मेरी तस्वीर तैयार हो रही है आरेस कैन यू पेंट जानी बट योर बीड्स आर गोइंग टू से नो जानी योर बीड्स आर गोइंग टू से आरेस इज नॉट पेंटिंग मी व्हाई आरेस इज नॉट पेंटिंग मी थैंक यू आरेस नाउ योर बीड्स आर हैप्पी और एक बीट को दो धागे हमने डाले
वाला हिस्सा बन गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका हम वो कैसे बनाएंगे जो वो कपड़े का पोर्शन होता है उसका। इस वेरी सिंपल, आपने इतना लंबा लिया और इसको काट दिया, फिर आपने इसको टर्न किया। तुम्हारा टर्न किया डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग यू वांट टू कीप इट। इफ यू वांट टू कीप इट वेरी लॉन्ग यू कीप इट वेरी लॉन्ग, इफ यू वांट टू नॉट कीप इट सो लॉन्ग यू कैन कट इट शॉर्ट। ठीक है, इसका ये वाला हिस्सा हमने इसको हमने टर्न कर दिया, नोबडी कैन टच। और फिर हमने एक धागा लिया, नोबडी कैन टच। और फिर हमने इसको यस दैट्स फाइन, इट्स अप टू यू व्हाट कलर्स यू वांट टू चूज, राइट रोहन? Somebody's help, otherwise threads can be a little tough to handle. ठीक है जी, ओके। अरे बहुत सारे पेंट्स हमें वेस्ट नहीं करने बेटा। चल ठीक है, ये देखें ये हमारा ये हो गया, इसके दो एक्स्ट्रा कार्ड guys, look at that, in like less than 5 minutes we have our turkey ready. Blah 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 blah. Okay guys, look at that, in like less than 5 minutes we तरीकों से।
और अल्लाह अकबर पे जोर है, इसलिए आज इज गुड रिमेंबर दैट वी हैव टू से अल्लाह। ठीक है गाइस, ये देखें हमारी तीसरी बहुत क्यूट कस्टम बन रही है, और द होल आइडिया इज द किड्स शुड हैव अ गुड टाइम। आप पेंट करा सकते हैं, आप इनको थोड़े बड़े अगर बच्चे हों आपके पास, और कोई मुझे बार बार पूछ रहा है कि टीनेजर्स के लिए भी कराएं, टीनेजर्स के लिए भी कराएं, तो टीनेजर्स भी इस तरह के काम बहुत मज़े से करते हैं। एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वाज वेल ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ माय टीनेज आई यूज टू डू दिस स्टिल। तो आपके ऊपर है कि आप बच्चों को किस तरह इनकरेज करते हैं कि वो हर एक्टिविटी में हिस्सा लें। ठीक है ना गाइस, सो दिस इज आवर थस्बी व्हिच इज ऑलमोस्ट डन। बातों बातों में आपके साथ मैं सारा अपना काम कर देती हूँ। ठीक है, तो आप बड़े बच्चों के साथ भी कराएं, छोटे बच्चों के साथ भी कराएं, एंड दीज कुड बी रियली नाइस ईद गिफ्ट्स आल्सो और रमजान गिफ्ट्स। अभी रमजान तकरीबन आधा बचा हुआ है, पूरे हमारे आई थिंक आज 16-17 रोजे थे हमारे, आज पूरे हो गए हैं, और थोड़े दिनों में हमारे पास और दिन है रमजान के रोजों के, तो आप उनको भी यूटिलाइज करें और किसी को ये अभी भी आप गिफ्ट्स दे सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया। अब मैं इसको डबल करूंगी, और मैं कलर्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, लड़कियों के लिए मैंने ये स्पेशली पिंक वाली और व्हाइट वाली बनाई थी। और ये देखिए हमारी दूसरी बहुत क्यूट सी तस्वीर रेडी है। अच्छा, अब इसके लिए मुझे चाहिए कि मैं इसका जो हेडर बनाऊंगी वो किस तरह। अच्छा, तस्वीर में नॉर्मली चेन जो होती है, धागा जो होता है, उसके बीच में थोड़ी सी गैप होती है, तो वो गैप आप जरूर दीजिएगा ताकि वो बहुत स्टक ना हो जाए। ठीक है, और और मशीन है, तो इनको मैं सुखाऊंगी पहले, और बेसिकली
भी आपने प्यार करना।